चंदन बाबू सुन भैया, हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर, कुछ सामान खरीदना है। चंदन भैया मिल गए हैं रास्ते, और अभी हम लोग कुसमी जंगल होके गुजर रहे हैं गोरखपुर के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं नौका विहार, आए थे गोरखपुर सामान लेने, सोचे हैं नौका विहार भी देख लें और घूम लें। तो चलिए आपको दिखाते हैं नौका विहार कैसा दिखता है और कितना सुंदर लगता है नौका विहार। बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। नजारा है गोरखपुर का नौका विहार, जो स्पेशल घूमने के लिए ही बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग ये नौका विहार तालाब जो बहुत बड़ा है, और इसी में नौकायान भी चलता है। यहाँ घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सामने दिख रहा है पूरा सिटी है। हजारीपुर हनुमान मंदिर के सामने राहुल ट्रेडर्स, जहां सजावट का कपड़ा, आर्टिफिशियल फूल, गुब्बारा, ओसिस, तार, जाली, डिस्पोजल गिलास आदि थोक के ऊपर रेट में मिलते हैं। आइए दिखाते हैं इनका दुकान। यहाँ जयमाल और डेकोरेशन से संबंधित हर एक सामान उचित रेट पे मिलते हैं। बहुत ही लंबा जंगल है ये, जो कुसमी तक गया है, और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होने का कारण यही है कि यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा है, इसी कारण बारिश बहुत ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह जो है वो गोरखपुर ही है, जो कुसमी जंगल के कारण यहाँ वर्षा होती है, ठंडक एरिया है,